नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और जैसे कि आपको पता होगा कि CET SEL ने कल एक सर्कुलर और आज अभी एक सर्कुलर डाल के जो अदर CET होती है, जनरल MST CET छोड़ के बाकी की जो CET है, हायर एजुकेशन की कुछ CETs और MCA और बाकी के कोर्सेज की जो CET है उनकी संभावित डेट जारी कर दी है। तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे कि क्या कब कौन कौन से CET होगी और उसके साथ साथ उन्होंने लॉकडाउन 4 की वजह से कुछ CET के एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए भी एक्सटेंशन दिया है। तो चलिए देखेंगे कौन से CET को कब तक का एक्सटेंशन मिला है। चल करते हैं शुरुआत। तो पहले देखेंगे कि MCA का CET, दोनों भी सर्कुलर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनके लिंक्स उनके वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आपने देखा भी होगा। और MCA का तो अभी डाला है लेकिन पहला वाला आपने देखा होगा। तो MCA की जो एप्लीकेशन 18,000 के आसपास एप्लीकेशन आए हैं, उनको पहले एक एक्सटेंशन दिया था और अब डेट उनकी चली गई है। तो लॉकडाउन 4 की वजह से उन्हें कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरने में एक्सटेंशन नहीं मिला है, क्योंकि उनके हॉल टिकट भी शायद इशू हो गए, तो इसकी वजह से शायद हो सकता है कि आपको एक एक्सटेंशन नहीं मिला है। और आपकी CET होगी 19 जुलाई को, तो टेंटेटिव डेट तो उन्होंने दे दी है आपको, आप पता है कि आपकी CET 19 जुलाई को संडे को होने वाली। उसी प्रकार जो HMCT का होटल मैनेजमेंट केटरिंग टेक्नोलॉजी के कोर्सेज से उनकी भी उनको अभी एक एक्सटेंशन दिया है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, आप 31 मई तक फॉर्म भर सकते हो और आपकी भी CET 19 जुलाई को होगी। उसी प्रकार आर्किटेक्चर का जो मास्टर कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, उनके लिए भी एक एक्सटेंशन दिया है फॉर्म भरने के लिए। पहले 3 एक्सटेंशन उनको दिए थे और अभी और एक एक्सटेंशन दिया है, आप 31 मई तक फॉर्म भर सकते हो और आपकी भी CET 19 जुलाई को शेड्यूल हो गई है। उसी प्रकार होटल मैनेजमेंट का जो PG कोर्सेस है, उनकी भी CET के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए 3 एक्सटेंशन ऑलरेडी दिए थे, अभी भी एक एक्सटेंशन आपको भी मिला है, 31 तक आप भी फॉर्म भर सकते हो और आपकी भी CET 19 जुलाई को शेड्यूल की गई है। चलिए बाकी की देखेंगे कि जो हायर एजुकेशन की CET, जनरली BEd और LLB की जो CETs होती है, उनके लिए देखेंगे कि क्या उन्होंने प्रयोजन किया है। हालांकि ये सर्कुलर उन्होंने कल ही इशू किया था और आपको पता भी होगा, जिनको पता नहीं उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि BEd की जो CET है उसके जो लगभग 36,000 तक एप्लीकेशन आए हैं, तो उनको एक एक्सटेंशन पहले मिला था और अभी भी 30 मई तक आप फॉर्म भर सकते हो और आपका जो CET है वो 15th और 16th जुलाई को शेड्यूल किया गया है। LLB जो 3 साल का कोर्स है, उसके भी 28,000 के आसपास एप्लीकेशन आ चुके हैं, उनको पहले एक एक्सटेंशन मिला था और अभी एक एक्सटेंशन आपको मिला है, आप 30 मई तक फॉर्म भर सकते हो ऑनलाइन और आपकी जो CET है वो 6 अगस्त को शेड्यूल की गई है। उसी प्रकार MEd की बात करें तो उनको पहले ही 3 एक्सटेंशन मिले थे और अभी भी आपको एक एक्सटेंशन मिला है, आप 30 मई तक फॉर्म भर सकते हो और आपकी CET 24 जुलाई को फ्राइडे को शेड्यूल हो गई है। उसी प्रकार BEd का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, उसके लिए भी पहले 3 आपको एक्सटेंशन मिल चुके हैं फॉर्म भरने के लिए, अभी भी लॉकडाउन 4 की वजह से एक एक्सटेंशन आपको मिला है, 30 मई तक आप भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो और आपकी CET भी 24 जुलाई को शेड्यूल हो गई है। और बाकी के देखेंगे तो BEd और MEd की जो इंटीग्रेटेड कोर्सेस है, उनको भी सेम 3 एक्सटेंशन मिले थे और एक एक्सटेंशन मिला है, 30 तक आप फॉर्म भर सकते हो, आपकी CET 19 जुलाई को संडे को शेड्यूल की गई है। MPED और BPED की बात करें तो उनको भी पहले 3 एक्सटेंशन मिले थे और एक एक्सटेंशन मिला है आपको, 30 मई तक आप फॉर्म भर सकते हो और आपकी दोनों की भी CET 24 जुलाई को फ्राइडे को शेड्यूल हो गई है। LLB 5 साल की अगर बात करें इंटीग्रेटेड कोर्स की, तो उसके लगभग 22,000 के आसपास एप्लीकेशन आ गए हैं और उनको एक्सटेंशन आप 6 मार्च तक ही था उनका फॉर्म भरने का और अभी उनको एक्सटेंशन की कोई बात नहीं है, उनको एक एक्सटेंशन दिया था और अभी उनको कोई एक्सटेंशन नहीं मिला है LLB 5 के फॉर्म भरने के लिए। तो और उनकी CET जो है वो 24 जुलाई को शेड्यूल हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर कोई नया अपडेट आता हो तो मैं आपके पास उसे ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे पूछिएगा कमेंट्स बॉक्स में, मैं उसका ज़रूर जवाब दे दूंगा। जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।